सावन का महीना और भगवान शिव जिनकी यात्रा के लिए कांवड़िए कई सैकड़ों किलोमीटर की दूरी नापते हुए आते हैं, इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, दरअसल ये है एक छोटा हरिद्वार, मुराद नगर के पास ये छोटा हरिद्वार है जहां से गंगा जल बहता हुआ निकल रहा है और बहुत से भोले हमारे साथ खड़े हैं और भोले जो है वो जल लेकर आ रहे हैं। ठीक है, यह आपकी यात्रा का एक अहम पड़ाव है, यहाँ आप स्नान कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि कब से आपकी यात्रा शुरू हुई? 21 तारीख को यात्रा हुई। 21 को प्रशासन का इंतजाम की मैं बात कर रहा हूँ, प्रशासनिक इंतजाम कैसे? अच्छा बढ़िया है, प्रशासन बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था प्रशासन। योगी साहब ने डीजे को बोल दिया ऑन रहेगा डीजे, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल डीजे चलना चाहिए, डीजे चलना चाहिए बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ये तो छोटा हरिद्वार जहाँ पर कांवड़ लेकर यात्री आयु कहें कि कांवड़ श्रद्धालु जो है यहाँ पहुंच रहे हैं, हर एक अहम पड़ाव की जानकारी आपको देंगे। फिलहाल तो दिल्ली से लेकर हरिद्वार के बीच ये छोटा जो हरिद्वार पड़ता है, यहाँ पर भोलों का हमने जोश आपको दिखाया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इलाकों का भी दौरा करते हैं, वहां भी जानते हैं कि श्रद्धालुओं में कितना जोश है। आगे बढ़ते हैं, आइए। तो जहां देखिए आप बम भोले के नारों की गूंज है और इस बार चूंकि रिकॉर्ड टूट रहा है, आपको बता दें पिछले साल 3.5 करोड़ श्रद्धालु कांवड़ लेकर लौट रहे थे, लेकिन अब लौटने वालों को जो जत्था है उसमें इतनी तादाद है कि इस बार 4 करोड़ श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड बन सकता है। इस वक्त हम शिविर के बाहर खड़े हैं जहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था की गई है, बहुत से कांवड़िए यहाँ आ रहे हैं, कुछ गुजर रहे हैं और कुछ यहाँ जलपान कर रहे हैं। पहले अंदर देखते हैं व्यवस्था क्या, आइए मेरे साथ। भोलों की पूरी जमात यहाँ पहुंची हुई, भाई साहब ये बताइए कि ये लंगर 24 घंटे चल रहा है? 24 घंटे चलता है। अच्छा, क्या क्या वैरायटी भोलों के लिए रखी है? वैरायटी तो बहुत कुछ है, शाही पनीर है, मटर पनीर, खीर, रसगुल्ले भी है, शाम को रसगुल्ले बनेंगे। कठिन यात्रा से कांवड़िए जब वापस आ रहे हैं, लौट रहे हैं, उसके बाद कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छी हो रही है, मिस्सी रोटी भी है। अच्छा, मैं तस्वीरों के जरिए भी दिखाना चाहूंगा, ये मिस्सी रोटी है, शायद इसमें राजमा है और बहुत सी वैरायटीज और भी हैं, जैसा उन्होंने कहा शाही पनीर भी है, इसके अलावा मिठाई का भी इंतजाम है, हलवे का भी इंतजाम है। तो बहुत बढ़िया, आयोजकों द्वारा ये इंतजाम किया गया है, तो भोले संतुष्ट नजर आ रहे हैं। भोलों की ये जो यात्रा है उसमें कहीं ना कहीं भोले खुद को बहुत ही सहज महसूस कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और चीजों का भी जायजा लेंगे, पूरे रास्ते पर यानी दिल्ली से लेकर हरिद्वार के बीच क्या कुछ चल रहा है, कितने खुश हैं कांवड़िए, आइए मेरे साथ। तो दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है यानी कि कांवड़ यात्रा को लेकर लाइव कवरेज पर हम निकले हैं और लगातार जो अहम पड़ाव है उनका जिक्र हम कर रहे हैं। एक और पड़ाव पर हम पहुंचे हैं, मोदी नगर के आसपास की ये जगह है और यहाँ पर जो भोले पहुंच रहे हैं, जो भोले लंबी यात्रा करके पहुंच रहे हैं, जिनके जो कदम है वो दुख गए हैं या फिर कोई चोटें आई हैं उनको लेकर यहाँ पूरी तरह से दवाइयों का इंतजाम किया गया है, यहाँ खुद भोलों की सेवा की जा रही है। भाई साहब आप बताइए कि ये कैंप आप खुद चला रहे हैं या सरकारी मदद से चला रहे हैं? नहीं सर, खुद ही है, प्राइवेट कैंप। लोगों की आस्था देखते ही बनती है, प्राइवेट ये कैंप है, खुद ये खुद इसके आयोजक हैं, अपना खर्चा करके भोलों की मदद कर रहे हैं। भोले ये बताइए कि ये क्या हुआ पैर? छाले हो रखे हैं सर। कितने किलोमीटर लंबा पैदल चले? 250 किलोमीटर। करीब 250 किलोमीटर ये भोले पैदल चल चुके हैं और देखिए किस तरीके से इनके पैरों पे जो छाले हुए हैं उनकी सेवा में यहाँ आयोजक पूरी तरह से व्यस्त हैं, नहीं चाहते कि इनके जख्म आगे बढ़े। और भी बहुत से कुछ लोग हैं उनके बारे में भी जानते हैं, आप जरा आगे आइए, आगे आइए जरा। बोले बहुत हरिद्वार से लेके यहाँ तक किसी चीज कोई कमी नहीं है, दवाई गोली रोटी पानी हर पूरी तरह से संतुष्ट। पहले साल से अब के बहुत साल से मतलब आते आए हैं, बहुत बदलाव आया। योगी सरकार आने के बाद क्या कुछ हुआ? योगी सरकार आने के बाद इतना बदलाव आया, डीजे की धूम हुई है, डीजे की धूम हुई है। तो कुल मिलाकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरिद्वार से कांवड़ लेकर 250-250 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद भी जो भोले हैं यानी कि जो कांवड़िए हैं उनका जोश पूरी तरह से बरकरार है। एक और अहम पड़ाव पर आगे निकलते हैं, वहां का भी हाल आपको दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। कांवड़ यात्रा की लाइव कवरेज करते हुए इस वक्त हम अहम पड़ाव पर आ चुके हैं और ये आखिरी पड़ाव भी है हमारा, सबसे राहत भरा, सबसे सुकून भरा। वजह बिल्कुल साफ है कि इस बार तिरंगा भी खूब लहरा रहा है, वजह क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब ये बताइए कि ये तो धार्मिक यात्रा है, झंडा लेकर भी आप जा रहे हैं? जी सर, हिंदुस्तान जिंदाबाद।
ये हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये पिछली यात्राओं में तिरंगा नहीं देखा जाता था, लेकिन अब पिछले एक दो साल से ज्यादा देखा जा रहा है। वजह क्या? देशभक्ति। देशभक्ति कब से जगी है? मोदी के आने से, योगी के आने से? ना योगी से ना मोदी से, देशभक्ति शुरू से है लोगों में, पर वो हमेशा रहेगी। बस अब लोग थोड़े और ज्यादा जितना भगवान को मानते हैं उतना देश को मानते हैं। धार्मिक यात्रा के साथ ही ये राष्ट्रवादी यात्रा भी होने जा रही है। बिल्कुल सही, देशभक्ति की जो भावना है वो परवान चढ़ रही है। दूर दूर तक आप देखिए तिरंगा लहरा रहा है, इससे सुकून भरा कुछ भी नहीं हो सकता। कावड़ यात्रा एक राष्ट्रभक्ति की यात्रा बनकर भी रह गई है। इस वक्त नोएडा से मैं कुलदीप सिंह पठानिया, कैमरामैन केसर के साथ, R9 टीवी के लिए। शंकर ना।